यहाँ पे एक मैं नया वर्ड लिख रहा हूँ, फंक्शन, जिसके बारे में अभी आप नहीं पढ़े हो फंक्शन के बारे में, लेकिन धीरे धीरे जान जाओगे कि फंक्शन क्या होता है। बस आप नाम केवल सुनते रहो, जब मैं आपको फंक्शन का डिफिनेशन बतलाऊंगा तो आपको सब कुछ उस समय समझ में आएगा कि फंक्शन है क्या, ठीक है ना। तो अभी फंक्शन तक आने में थोड़ा बहुत टाइम है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ मॉडुलस। ये सब बेसिक है, जब जैसे ही मैं फंक्शन स्टार्ट करूंगा, फंक्शन के बाद डोमेन आएगा, तो मैं कहूंगा कि इसका डोमेन निकालो, तब उसके क्वेश्चंस में ये सब इन्वॉल्व रहेगा, मॉडुलस इन्वॉल्व रहेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व रहेगा, लिस्ट इंटीजर इन्वॉल्व रहेगा। इसलिए मैं इसको आपको अलग से बतला रहा हूँ, ये सब कुछ मैं एक एक करके पढ़ा रहा हूँ। यानी आप कह सकते हैं कि मैं आपका एक तरीके से फंक्शन का बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूँ, या फंक्शन ही एक तरीके से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उसको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि जो आप आज तक पढ़ करके आए हो उससे इजीली कनेक्ट हो जाए, ताकि आपको यह बिल्कुल ही नया ना लगे। नहीं होता कि एकदम बिल्कुल ही नए तरीके से पढ़ा रहा हूं तो आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। तो ये होता क्या है, इसको आप 7th क्लास में या 8th क्लास में पहली बार देखा होगा, आपको याद नहीं होगा, लेकिन आप 7th क्लास में पहली बार इस चीज को देखे होंगे। मैं भी 7th क्लास में देखा था, आपका पता नहीं है। जैसे मैं लिखता हूं तो शायद आपको याद आ जाएगा। ये क्या करता है ना कि इसके अंदर, यानी एक मशीन है, ये एक मशीन है, ये एक मशीन है, इसके अंदर कोई यदि मैं निगेटिव नंबर डालू तो ये क्या कर देता है, उसको पॉजिटिव बना देता है। यदि इसके अंदर पॉजिटिव नंबर डालू तो इसको ऐसे ही छोड़ देता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करता, इसमें कोई चेंज नहीं करता, ऐसे डिफाइन किया गया है, ठीक है। इसके अंदर -10 है तो क्या हो जाएगा, +10। ये आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, याद आया कुछ ऐसा आप लोगों ने पढ़ा था ना। हाँ, तो फिर यदि इसके अंदर 0 हो तो ये 0 ही बाहर आ जाएगा, 0 के लिए 0 ही बाहर आ जाता है। यानी इसका काम है किसी भी निगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देना और पॉजिटिव नंबर को वैसे ही छोड़ देना, ये मॉडुलस का काम है। यानी इसे जहां पर ये लाइन ड्रॉ कीजिए, कर दीजिएगा दोनों साइड, एक साइड ये एक साइड ये, तो इसका मतलब ये होगा कि अब इससे जो बाहर बन के आएगा हमेशा पॉजिटिव बाहर बन के आएगा, अब निगेटिव बाहर नहीं बनेगा। यानी जैसे कि कोई आदमी के अंदर, किसी आदमी के अंदर बहुत सारी निगेटिविटी भर गई है, बहुत ज्यादा निगेटिविटी भर गई है, उसको एक बहुत ही शांत जगह पर लेकर के जाओ। जैसे यदि मैं हिंदू धर्म की बात कर दूं तो आप उनको अच्छे प्लेस पर लेकर के जाओ, जहां पर भगवान की मूर्तियां है सब, ठीक है ना, या अच्छे अच्छे मंदिर से, या अच्छे साधु के संगत में लेकर के जा जो बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं, जो ज्ञान की बातें करते हैं। तो जब वो वहां से लौट के आता है तो उनके अंदर पॉजिटिविटी का संचार होने लगता है, यानी उस चीज को, उस मंदिर को, उस साधु को आप मॉडुलस बोल सकते हो, कि वो क्या है, मॉडुलस फंक्शन है, क्योंकि उनके पास जो भी जाता है उसके अंदर पॉजिटिविटी चीजें आ जाती है, वो सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव सोचने लगता है। ये कभी कभी भी नहीं सोचेगा कि ये मेरे से नहीं होगा, वो हमेशा सोचेंगे कि ये मेरे से हो जाएगा। तो वैसे ही यह है, यदि इसके अंदर कोई निगेटिव नंबर डालिएगा तो उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। अब कहोगे सर जी कोई पॉजिटिव आदमी साधु जी के पास गया तो वैसे ही रहेगा, उनमें कोई चेंजेस नहीं आएगी, उनके अंदर
कोई भी चेंजेस नहीं आएगी, वैसे ही रहेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो ये है मॉडुलस का मीनिंग। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया। नहीं जी, तो जैसे अब इसके अंदर कोई एक्स दे दे और एक्स रियल नंबर हो और यहां से हमें एक्स को बाहर निकालना है, तो कैसे निकालिएगा कोई बतला सकता है? क्या ऐसे लिख दूं? क्या लिखना सही होगा? ये कब लिखना सही होगा कोई मुझे बतलाइए तो। यहां से यहां लिखना कब सही होगा? अभी अभी मैं यही सब बोल रहा था। बोलिए कुछ भी, कोई बोलो कुछ भी। नहीं क्लिक कर रहा है। एक्स नेगेटिव होगा तो ये लिखना सही होगा। कोई आप नेगेटिव नंबर लिख करके देखो क्या सही हो रहा है। इसके अलावा अभी अभी बोला ना कि इसके अंदर कोई पॉजिटिव नंबर होगा तो वो सिंपली बाहर आ जाएगा। तो यहां से ये यहां ये सिंपली बाहर आ गए, तो ये कब हो रहा होगा? एक्स कैसा नंबर रहा होगा? निगेटिव नंबर रहा होगा कि पॉजिटिव नंबर रहा होगा, बतलाइए। पॉजिटिव होगा तो ही ना ऐसे बाहर आएगा, नहीं तो आएगा ऐसे बाहर? नहीं आएगा ना, क्योंकि पॉजिटिव रहेगा तो सिंपली वहीं आ जाएगा। अब एक्स के जगह पर कोई भी पॉजिटिव नंबर पुट करो, हमेशा ट्रू आएगा। अब इसके बदले में ये बाहर कर दिया, तो ये कब बाहर आएगा? क्या ऐसे लिखना सही है? और यदि है तो कब लिखना सही है? जब एक्स पॉजिटिव होगा तो लिखना सही है, कि एक्स निगेटिव होगा तो लिखना सही है? हाँ, मॉड के बाहर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो ये लिखना गलत हो जाएगा। आपको पता है कि एक्स क्या है? यदि एक्स की वैल्यू माइनस वन पुट करो तो देखो तो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, मुझे बतलाओ तो। एक्स के जगह पर आप माइनस वन पुट कीजिए, सही हो रहा है। एक्स के जगह पर माइनस टू पुट कीजिए, सारे नेगेटिव नंबर के केस में सही है। लेकिन एक्स के जगह पर वन पुट कीजिए तो क्या सही हो रहा है? नहीं हो रहा। तो आप यहां पर एक चीज ध्यान नहीं दिए कि यहां से माइनस से पॉजिटिव कैसे हो रहा है। ऐसे थोड़े होगा ऐसे ही डायरेक्ट हो रहा होगा, कुछ प्रोसेस हो रहा होगा। तो मुझे ये बतलाइए कि किसी भी निगेटिव को पॉजिटिव बनाने का आपका मन है तो आप क्या कीजिएगा उसमें? किसी निगेटिव नंबर को आप पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा कि वह निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा? हाँ, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे कि माइनस वन था यहां। अब मैं आपको बतलाई कि यहां से कोई भी निगेटिव नंबर आएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहां पर कोई जब निगेटिव नंबर है तो उसको क्या कर रहे हैं आप? माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो यहां भी यदि एक्स निगेटिव है
निगेटिव के लिए ट्रू है, पॉजिटिव के लिए तो ये ट्रू ही नहीं है ना। पॉजिटिव के लिए माइनस तो आ जाएगा, तो माइनस दिखता है तो बच्चों को लगता है कि ये माइनस कैसे हो गया, यहाँ तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन आप एक साथ देखिए तो ये पॉजिटिव ही है। जब x लेस देन जीरो है और आप इस चीज को आप एक साथ कंसीडर कर रहे हो तो यह पॉजिटिव ही है, निगेटिव नहीं है। लग रहा है कि माइनस के चलते निगेटिव, लेकिन लेकिन यह एक्चुअल में क्या है, पॉजिटिव है। क्योंकि यहां पर जो x है निगेटिव है, अब हमें इसको पॉजिटिव बनाना है तो मैं क्या कर दूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जो x निगेटिव है, x के चलते दिख नहीं रहा है, तो आप कोई निगेटिव नंबर को पुट कर दीजिए तो आपको दिख जाएगा कि हाँ माइनस माइनस प्लस होगा। समझ में आया आप लोगों को अब? हाँ अच्छा, जीरो यहां भी लगा सकते हैं इक्वल टू, क्योंकि जीरो के लिए तो जीरो ही हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं, यानी जब इसके अंदर कोई वेरिएबल आ जा रहा है तो हमें अब पता ही नहीं चला कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो हमें केस लेना पड़ेगा खुद से। कैसा केस, हम खुद ही डिसाइड करेंगे कि यदि एक्स आपका पॉजिटिव नंबर हो जाए, यदि आपका x, चलो निगेटिव से स्टार्ट करता हूं, यदि आपका x निगेटिव नंबर हो जाए या जीरो हो जाए, यानी इस मॉड के अंदर x जो है वो निगेटिव है, निगेटिव नंबर है, ऐसा हमने बोल दिया, तो यहां से आप क्या करके पॉजिटिव बनाइएगा इसको, क्योंकि हमें मॉडल से बाहर निकलना। तो यहां पर मैं क्या लिखूं कोई बतलाओ, मॉडुलस से बाहर कैसे आइएगा आप, क्योंकि मॉडुलस किसी भी नंबर को पॉजिटिव बना देता है। बतलाओ कोई, नहीं बोलिएगा तो सीख नहीं पाइएगा। एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, यहां पर कोई निगेटिव नंबर है, सपोज दैट वो x ही है, अब यहां से बाहर निकलना है तो कैसे निकलिएगा बाहर, यार अभी अभी लिखा है ना, और जब x पॉजिटिव होगा तो ये सिंपली बाहर आ जाएगा। क्लियर है? अब आपको लाइन का ग्राफ आता होगा ना प्लॉट करने, y इक्वल टू x का ग्राफ, 10th क्लास में आपने सीखा होगा ना जी, लाइन का ग्राफ प्लॉट करना। हाँ, तो y इक्वल टू x का ग्राफ ऐसे ही होता है, और y इक्वल टू माइनस x का ग्राफ कैसे होगा, ऐसे होगा। ये मालूम है, याद है कि भूल गए हो बाकी लोगों को जी? चलो याद है। देखो तो y इक्वल टू माइनस एक्स हम कब प्लॉट करेंगे, इसको मैं y ले लेता हूं, y इक्वल टू माइनस एक्स आप कब प्लॉट कीजिएगा, जब x निगेटिव हो, यानी यहां पर x पर रिस्ट्रिक्शन है कि x निगेटिव के लिए ही आपको y इक्वल टू माइनस एक्स प्लॉट करना है। तो y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ये है, किसके लिए, x निगेटिव के लिए, इसको हटा दें, गलत हो गया ना ये वाला, अब y इक्वल टू x का ग्राफ कब है, जब x पॉजिटिव है, तो इसको हटा दें। ये बात समझ में आई, लिखो।
तो आपको मॉडुलस से बाहर निकलने आना चाहिए। तब कोई भी क्वेश्चंस आपके सामने आएगा, हर किसी में यही काम करना, सब में यही काम करना। और आपको इनइक्वलिटी भी सॉल्व करने आ गया तो बस हो गया, मॉडुलस आप सीख गए, अब कुछ रहा ही नहीं। जैसे मैं और एग्जांपल देता हूं, माने अब मैं इसका एप्लीकेशन कराऊंगा। चलो सर, ग्राफ आपको y इक्वल टू x का ग्राफ पता है ना? हाँ, तो हमें y इक्वल टू x कब चाहिए इसके लिए? जब x पॉजिटिव होगा, तो x पॉजिटिव में कौन सा पोर्शन है? यही पोर्शन है ना? कहाँ पर भाई निगेटिव लिखा हूं? वाई इक्वल टू निगेटिव कहाँ? ओके, यहाँ पर नहीं, तो इसको पॉजिटिव कर दो ना, गलती से लिखा गया है। अब हो गया सही? चलो ठीक। जैसे कि y इक्वल टू आपके पास मॉड x माइनस वन है, आपको मॉडुलस से बाहर निकलना है। देखिए, मॉडुलस हमेशा जीरो के ही, जीरो पर ही ब्रेक हो रहा है। क्यों? क्योंकि जीरो के ही लेफ्ट राइट में क्या मिलता है? पॉजिटिव निगेटिव मिलता है। इसलिए हम हमेशा जीरो पर ही मॉडुलस को ब्रेक करते हैं। हमें यही डिसाइड करना है ना कि यदि यह निगेटिव होगा तो पॉजिटिव बन के बाहर आएगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव सिंपली बाहर आ जाएगा। तो निगेटिव पॉजिटिव डिसाइड करने के लिए कुछ डिफरेंस होना चाहिए ना, तो वो डिफरेंस क्या था? जीरो ही था। जीरो से लेस निगेटिव और जीरो से ग्रेटर पॉजिटिव। तो आपने यह ब्रेक कर लिया है, अब आपके पास ये है, लेकिन आप जानते हो ये, तो जो आप जानते हो उससे कनेक्ट कर लो। इसको आप जेड मान लो। इस पूरे को आप जेड मान लो, जेड मान लो, तब इसकी तरह दिख रहा है हूबहू, तो हूबहू दिख रहा है, तो ब्रेक कर दो। जब जेड निगेटिव होगा या इक्वल टू जीरो होगा तो क्या निकलेगा? माइनस जेड। अब ये टोटल एक साथ पॉजिटिव है, कितने को लगता है कि सर अभी अभी आपने बतलाया कि मॉडुलस पॉजिटिव देता है, सर ये निगेटिव कैसे आ गया? आप पूरे को एक साथ देखिए ना, पूरा एक साथ पॉजिटिव है। कोई भी निगेटिव पुट कीजिए, पॉजिटिव मिल जाए। और जब जेड ग्रेटर देन जीरो होगा तो जेड बाहर आ जाएगा। अब आपने जेड जो माना था उसको वापस से पुट कर दो। आपने जेड के लिए क्या माना था? एक्स माइनस वन। तो मैंने इसको वापस से पुट कर दिया, जहां जहां जेड है वहां वहां एक्स माइनस वन पुट कर। अब यह इनइक्वलिटी है, इसको सॉल्व कर लो, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। वन माइनस एक्स, जब x लेस देन इक्वल टू वन, और यहां x माइनस वन जब x ग्रेटर देन वन। समझ में आया आप लोगों को कैसे मैंने प्रोसीड किया? अब यह इनइक्वलिटी तो इतना तो सॉल्व करने आपको सिखा ही दिया हूं, तो जो अभी तक आपने सीखा है अब उसका होगा एप्लीकेशन, यानी अब वो चीजें दोबारा आएगी। अभी तक मैं आपको वो सेपरेट सिखा रहा था, सेपरेट बतला रहा था, अब वो किसी क्वेश्चंस के साथ अटैच होकर के आया। जैसे कि यहां लिख लीजिए, आप इसका भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। लाइन का तो आपको ग्राफ प्लॉट करने आता ही है,
लाइन का आपको ग्राफ प्लॉट करने आता है ना, बतलाइए कैसा ग्राफ दिखेगा। ये क्या है, y इक्वल टू वन माइनस एक्स है। y इक्वल टू वन माइनस एक्स के लिए क्या करते हैं, दो पॉइंट ही सेलेक्ट करते हैं ना जी, एक x एक्सिस पर का पॉइंट और एक y एक्सिस पर का पॉइंट, फिर दोनों को मिला देते हैं। आप यही करते आए हो ना टेंथ क्लास में, तो यहां भी यही करना है। जीरो पर जब x जीरो होगा तो y क्या होगा, वन। जब जब y जीरो होगा तो x क्या होगा, वन। ऐसे होगा, लेकिन आपको ग्राफ कहां तक चाहिए, लेस देन वन तक। यानी ये ग्राफ कब होगा, ये ग्राफ कब होगा, जब एक्स लेस देन माइनस वन होगा। तो यही है वन जहां कट कर रहा है, तो ये सब मिटा। ये समझ में आया, क्लियर है, ठीक। अब y इक्वल टू x माइनस वन का ग्राफ, तो x इक्वल टू जीरो पुट कीजिए तो y क्या आ जा रहा है, माइनस वन, और y इक्वल टू जीरो पुट कीजिए तो x क्या आएगा, वन। तो ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। और यह अब y इक्वल टू x माइनस वन कब है, जब x ग्रेटर देन वन है, इधर के लिए, इधर के लिए, इधर के लिए नहीं है, इधर के लिए। तो ये वाली चीजें क्या हट जाए, हट जाए, ये हो गया, क्लियर है। तो देखो तो ये y क्या होता है, y के नीचे ये x एक्सिस के नीचे निगेटिव नंबर होता है, x एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव नंबर होता है। तो यहां से भी दिख रहा है कि y ऑलवेज क्या दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू। y ऑलवेज क्या दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू, यानी मॉड हमेशा क्या दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू। समझ में आ रहा है आप लोगों को ना, ऐसा कोई जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे से पूछ लेना आप। चलो लिख लीजिए, और ये एक साथ नहीं देखना है, स्टेप बाय स्टेप देखो तब समझ में आएगा। आप एक साथ देखने लोगों की तो दिक्कत तो होगी ना, आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि यह कैसे आया और यहां से आप यहां कैसे पहुंचे। बतलाइए आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, मॉड से बाहर आना है। वहीं आप इसको जेड मान लो या डायरेक्ट ही कर दो। यदि x प्लस वन निगेटिव होता है, अपने मन से बातें करना, यदि यह निगेटिव होता है तो, यदि यह निगेटिव इसके अंदर हो गया तो इसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना देंगे। यदि यह पॉजिटिव हो गया
जो मॉडुलस साइन के अंदर यदि है वो पॉजिटिव हो गया तो ये सिंपली बाहर आ जाएगा। ये नहीं कि वन पॉजिटिव है तो पहले वन को बाहर कर दो फिर एक्स को, ये लिखना गलत है, ठीक है ना, ऐसे नहीं लिखा जाता। ये एक साथ देखना है ना, ये एक साथ है तो ऐसे लिखना सरासर गलत हो जाएगा, ठीक है। चल अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, हो गया। तो ऐसी चीजों को सोचना पड़ता है और चीजें मुश्किल नहीं है। यदि आप ऐसे एक एक स्टेप सोच रहे हैं तो ये आप भी सोच सकते हैं खुद से बिना मेरे कराए। आप लोगों का भी यही आया था क्या? जैसे कि y इक्वल टू आ जाए मॉड x स्क्वायर माइनस वन, तो कैसे बाहर आइएगा? वही जो पुरानी कहानी है, सब कुछ वही है, वही रूल रेगुलेशन है, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। आप इसको z मान लीजिए या एक साथ सोचिए, यदि यह निगेटिव हो गया, मन में सोचिए यदि यह निगेटिव हो गया तो जब यह निगेटिव हो गया तो यहां से अब क्या होगा, इसमें इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने कर दिया, यदि यह पॉजिटिव होगा तो सिंपली बाहर आ जाएगा क्योंकि यह पॉजिटिव नंबर है। अपने मन से क्वेश्चंस करना है, खुद से अपने आप से बातें करना है कि यदि ये निगेटिव हो गया, पहले आपको आइडिया नहीं था, पता चल गया ना। और एक हर एक किसी में एक ही कहानी चल रही है, ऐसा नहीं कि अलग अलग है, सबके लिए एक ही रूल। यदि निगेटिव हो गया तो ऐसे, यदि ये पॉजिटिव हो गया तो ऐसे। अब आपको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करने आता है ना, तो सॉल्व कर लो। ये क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये नहीं कि पुरानी चीजों को भूल जाइएगा, वैसे ही इसके जीरो को रियल नंबर पर अरेंज कीजिएगा और फिर कीजिएगा। मैं डायरेक्ट लिख दूं, समझ जाओगे? ये समझ में आया? मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसका मैंने जरूरी नंबर, अब इसके लिए मुझे बतलाना पड़ेगा वो चीज। आप लाइन जानते थे तो मैंने बतला दिया था, ठीक है। अभी अभी आप क्वाड्रेटिक का नहीं जानते हो तो आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो जब ये ग्रेटर देन होगा तो एक्स ग्रेटर एक्स लेस देन वन और एक्स ग्रेटर देन वन, आप इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा यही आएगा, ठीक है। चलो ग्राफ जानना जरूरी है, क्वेश्चंस कभी कभी ग्राफ से काफी इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। या एरिया अंडर कर्व आएगा इंटीग्रेशन में, जब आप पढ़ोगे तो वहां ग्राफ जब तक प्लॉट नहीं करने आएगा एरिया कैसे निकालोगे आप, तो ग्राफ तो प्लॉट करना जरूरी है, ठीक है ना। लेकिन अभी मैं सिखाया नहीं हूं, आगे सिखाऊंगा, ठीक है ना। चलो इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ लेना। अब इसी तरह से इसके अंदर कुछ भी हो आप ऐसे ही ब्रेक कर लोगे ना। मैं आपको इन जनरल बतला देता हूं, जैसे y इक्वल टू मॉड f ऑफ x है, तो यहां से यदि f ऑफ x सोचोगे कि यदि f ऑफ x निगेटिव हो जाता है तो यहां से क्या निकलेगा, माइनस f ऑफ x निकलेगा। यदि f ऑफ x पॉजिटिव हो जाता है तो यहां से क्या निकल जाएगा,
सिंपली एफ ऑफ एक्स निकल जाएगा। इन जनरल है, यहाँ पर कुछ भी रहे ऐसे ही होगा। अब कोई सर जी निगेटिव नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही बाहर निकाल देंगे जैसे ही है। अब ये ऑलवेज पॉजिटिव है ना, एक्स कुछ भी ले लीजिए यह क्या होगा, ऑलवेज ही पॉजिटिव होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है, तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। समझ में आया? चल अब आते हैं इक्वेशन पर। देखिए आपको ये पता था कि वन होगा तो वन होगा और माइनस वन होगा फिर भी वन होगा, ये आपको मालूम हो गया है। अब देखिए, अब मैं आपको बोल दूं कि मॉड एक्स इक्वल टू वन है, एक्स की क्या क्या वैल्यू होगी बतलाइए तो, यानी वो x की कौन कौन सी वैल्यू होगी जिस पर आप मॉड लगाइएगा तो उसकी वैल्यू वन हो जाएगी। वो x की कौन सी रियल वैल्यू होगा मुझे बताइए, वन और माइनस वन। तो आप क्या लिख सकते हो, x इक्वल टू प्लस माइनस वन में सिंपली लिख दो, ठीक है ना। चलो इसका मतलब कि x वन भी हो सकता है माइनस वन भी हो सकता है। मैं आपसे बोलूं कि यदि मॉड x इक्वल टू फोर है, एक्स क्या होगा, प्लस माइनस टू होगा। प्लस माइनस टू रखो तो क्या उसका मॉडुलस फोर हो जाएगा। प्लस माइनस फोर, समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। यानी इन जनरल यदि बात करूं, यदि मैं इन जनरल बात करूं तो यदि मॉड एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, ए हो जाए और ए पॉजिटिव नंबर हो, ए क्या हो, पॉजिटिव नंबर हो, क्योंकि मॉड की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होती है, मॉड की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होती है, तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। इसके इक्वल में जो भी नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा, तो देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस a हो जाएगा, ठीक है। अब कोई आपसे पूछ दे कि मॉड x इक्वल टू माइनस टू, क्या ये कहना सही है, नो तो नॉट, यानी नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है ना, नॉट वेल डिफाइंड, यानी जब भी यहां पर रहेगा वो नंबर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो एक्स की क्या वैल्यू होगी बतलाइए, फोर और फोर के अलावा फोर और माइनस सिक्स, फोर और माइनस सिक्स कैसे, सर एक केस में प्लस फाइव आ जाएगा, एक माइनस फाइव आएगा, तो रिजल्टेंट वाला फाइव ही आ जाएगा, रिजल्टेंट वाला फाइव ही आ जाएगा। ये कैसे, ये कौन सा लॉजिक है, किस तरीके से बोलो, समझाओ मुझे। अगर
तो उसको सॉल्व कैसे किया, इसे डायरेक्ट हमेशा बोल दोगे, कोई प्रोसेस होगा ना? हाँ देखिए, आप यहाँ पर जेड ले लीजिए जब समझ में नहीं आता है, और जब मॉड जेड इक्वल टू ए था, यानी ये दोनों मैचिंग मैचिंग हो गया, तो जेड इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस फाइव होता है, और जेड के जगह पर क्या था, एक्स प्लस वन था, ये प्लस माइनस फाइव हो गया, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस वन प्लस फाइव, और माइनस वन माइनस सिक्स, यहां से क्या हो गया, फोर हो गया और माइनस सिक्स हो गया, समझ में आया, क्लियर है जी? लिख बतलाइए x की क्या वैल्यू होगी, जैसे मैं पीछे सॉल्व किया वैसे ही प्रोसीड करो, हो जाएगा, या आप डायरेक्ट ही लिख दो कि जो भी यहां पर होगा वो प्लस माइनस सिक्स के इक्वल होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन को सॉल्व कर लो, एक साथ से निकल जाएगा। बतलाइए क्या क्या आ रहा है, ओके और किसी का कुछ आया है जी? सेम है, सेम आप लोग का आंसर आया कि अलग आया है? वन बाई टू और माइनस वन बाई टू आ रहा है, 1 बाई टू पुट करके देखो तो क्या 6 आ रहा है? नो सर, ऐसा नहीं आ रहा। क्या आ रहा है आपका? 11 बाई टू और माइनस 11। हाँ देखिए, ओ 11 बाई टू और माइनस 11 बाई टू आ गया आपका, ठीक है। माइनस 11 बाई टू वहां पुट करके चेक करो, क्या सेटिस्फाई हो रहा है आंसर, क्या लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल आ रहा है? अब आप लोग इक्वेशन भी सॉल्व करने नहीं आ रहा, ये हालत हो गई। जो भी यहां पर रहेगा वो क्या आना चाहिए, प्लस माइनस सिक्स आना चाहिए, तो यहां से टू एक्स माइनस फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, या तो सिक्स हो जाएगा या फिर माइनस सिक्स हो जाएगा। अब यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, क्या ये अभी इतनी सिंपल बातें आप लोगों से ये भी नहीं सॉल्व हो रहा? चलो होता है, इसमें हम एक बार माइनस से मल्टीप्लाई करके एक बार मतलब प्लस देखेंगे, कर दो, क्या दिक्कत, क्या क्या माइनस से मल्टीप्लाई करके, मैं नहीं समझा। हाँ कर सकते, हाँ तो करो करो, ऐसे ही करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस केस में इधर सिक्स होगा, अब इधर माइनस नहीं कर दोगे ना आप, ये तो हमेशा सिक्स ही रहेगा ना।
बतलाइए x की क्या क्या वैल्यू होगी। किसी का कुछ आया? इतना टाइम लग रहा? कॉमन सेंस की बात है। हाँ और कुछ नहीं आया? और किसी का कुछ आया है जी? और सबका यही आया? ठीक है देखता हूं। अच्छा ये बताओ कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर है तो एक्स की क्या क्या वैल्यू होगी? तो यहां पर दिमाग काम कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जब मैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर पूछ रहा हूं तो बतला दे रहे हो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू थ्री होगा तो क्या होगा? एक्स की वैल्यू यदि एक्स स्क्वायर इक्वल टू थ्री होगा तो एक्स क्या होगा बतलाइए। तो यहां कैसे आ गए आप लोगों से? ऐसा क्यों हो रहा है भाई? यहां आकर के बदल गया क्वाड्रेटिक क्या मॉडुलस लगाने से? हम मॉडुलस के बाद जो क्वाड्रेटिक आएगा थोड़ा अलग से दिख रहा होगा आप लोगों को। नहीं हाँ हम मॉडुलस में क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू थ्री आएगा तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस रूट थ्री थोड़े होगा, केवल प्लस थ्री बोलेंगे। नहीं कॉन्सेप्ट में मॉडिफिकेशन कर देंगे क्योंकि अब हम टेंथ पास करके इलेवेंथ में आ गए तो थोड़ा बहुत अपग्रेशन तो होना चाहिए ना। नहीं जी कॉन्सेप्ट जय भाड़ में आ चल अच्छी बात। तो जो भी यहां पर रहेगा वो प्लस माइनस फोर रहेगा तो ही इसकी वैल्यू फोर आएगी मॉडुलस का। तो या तो ये फोर हो जाए या फिर ये माइनस फोर हो जाए, दोनों में से कोई एक हो जाना चाहिए। ठीक है अब आते हैं यहां, यहां से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू फाइव और यहां से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस थ्री। ठीक है अब देखिए, अब यह कभी पॉसिबल है तो आप लोगों ने कैसे माइनस रूट थ्री बोल दिया जी? एक्स की वैल्यू माइनस रूट थ्री का यहां से आ गया, किसने बोला था? कोई बोल रहा था ना जी? सर हम ही बोल रहे हैं। तो कहां से आ गया? ओके इलेवेंथ में क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हो? नहीं तब टेंथ वाला क्वाड्रेटिक थोड़े होगा, यहां पर आके बदल जाएगा, नॉट पॉसिबल। और यहां से क्या आ जाएगा एक्स की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट फाइव। जो क्वाड्रेटिक आप पहले से सॉल्व करते आए हो वैसे ही सॉल्व करना,
ऐसा नहीं कि आप 11th में आ गए हो तो वो चीजें और बदल जाएगी, सब कुछ वही रहेगा, ठीक है ना। तो केवल x की वैल्यू ये हो, सॉल्व कीजिए, बतलाइए कि x की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए यह इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। आया किसी का कुछ? बतलाओ, गलती करोगे तो ही ना मैं बतलाऊंगा। किसी का कुछ भी आया तो बतलाओ जी, कितना टाइम लोगे? यहां पर जो भी होगा वो प्लस माइनस टू के इक्वल होगा, हर एक में कहीं कमाव आ रहा है, कुछ अलग काम नहीं हो रहा है। कुछ भी हो इसी तरीके से प्रोसीड करना है, यहां पर जो भी होगा जब तक वो प्लस माइनस टू के इक्वल नहीं होगा तब तक टू कैसे मिलेगा, यानी ये या तो प्लस टू हो जाए या फिर माइनस टू हो जाए। तो मैंने लिख दिया, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। यहां फैक्टर करना मुश्किल होगा, आपको लग रहा होगा, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। यहां से 1 2 आंसर आएगा, यहां से क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 17 अपॉन 2 या 1 या 5। ऐसा किसी का आया था? ये 10th क्लास की क्वाड्रेटिक है जी। चलो बतलाइए x की क्या वैल्यू होगी। सॉल्व करके बतलाइए मुझे आप। और कुछ नहीं मिलेगा क्या?
क्या सबका यही आया है? यहां पर क्या होना चाहिए? प्लस माइनस वन होना चाहिए। सॉल्व कर लो इसको। इसको सॉल्व कीजिए, एकदम पैटर्न फिक्स। एक होता कि मैं अलग अलग कंसेप्ट दे रहा हूं, एक ही कंसेप्ट, और आप ये भी नहीं सोच पा रहे हो। वाह, जबकि टेंथ क्लास का क्वेश्चन है, ये वाली सारी चीजें टेंथ क्लास की। क्या जी ये नहीं आ गया? ये नहीं होगा क्या? चार वैल्यू मिल गया ना? समझ में आया आपको कैसे करना है? आप रूट 17 होगा, इन दोनों का सम 17। ओके, माइनस होगा बीच में। ये हो गए तो वही पुरानी कहानी, कुछ भी मैं अलग नहीं करा, फिर भी आप लोग गलत कर दे रहे हो, पता नहीं क्यों। कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगा दे रहे हो, नहीं जो कहा है वैसे नहीं चलना है, जो नहीं कहा है वो तो खुद से करूंगा ही, चाहे जो हो जाए। ये भी होता है, हमारा तो आदत ही है नियम को तोड़ना। जब रेड बत्ती होती है फिर भी हम गाड़ी लेकर के दौड़ पड़ते हैं। चलो तो ये मैथमेटिक्स है, रूल नहीं मानोगे ना तो उठा कर पटक देगा, और इस जन्म में क्या किसी जन्म में इसको नहीं सीख पाओगे। चलो बतलाइए क्या होगा एक्स की वैल्यू। ओके, और कुछ आया है? एक का रियल रूट मिल रहा था कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है जी, प्लस फोर और माइनस फोर। हमेशा ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहां तो रियल रूट मिलेगा ही, और एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस सेवन इक्वल टू जीरो, यहां भी रियल रूट मिलेगा ना, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो ही हो रहा है, नहीं जी। चल तो यहां से क्या हो जाएगा, 28 + 4 = 32 / 2, यहां से क्या हो जाएगा, 7 + - √ 49 - 28 कितना होगा, 21। ये आपका नहीं आया था क्या? रूट 53 आएगा। ओके, 7 × 7 = 49, सॉरी ठीक, रूट 53 ये आया था आपका पहले। चलो तब इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा ना। चलो होमवर्क लिख लो,
आप इसको अगले क्लास में सॉल्व करके आना, ठीक है? तो आपका अगला क्लास में मैं इनइक्वालिटी पढ़ाऊंगा, मॉडुलस इनइक्वालिटी। अभी आपने इक्वेशन पढ़ा, अगले क्लास में इनइक्वालिटी पढ़ाऊंगा। आप अपने आप को कन्विंस करो कि आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर रहे हो, यह दिमाग को बतलाओ आप कि मेनली कर क्या रहे हो। आपने इस की वर्ड को पकड़ लिया तो आप मैथमेटिक्स सीख लिए, यदि आप इस की वर्ड को नहीं पकड़े तो आप किसी भी जन्म में मैथमेटिक्स नहीं सीख पाओगे, ठीक है ना? चलो।